हाँ, तो पहले कहानी सुनिए कि मैं यहाँ कैसा आया। कि अमेरिका में जो मेरा सम्मान हुआ था, तो उस सम्मान को देखकर कि मैंने बहुत सारे ऐसे गुप्त तरीके से मैंने शोध लगाए हैं और मानव के शरीर पर मैंने असंख्य बातों का खोजबीन की है। और यह जब जानकारी उन्होंने इकट्ठा प्राप्त की और जानकारी प्राप्त करने के बाद उन्होंने मेरा अपहरण कर लिया। उस दिन जब मैं 2 बजे घर के बाहर, डोर बेल बजे, मैं घर के बाहर निकला। घर के बाहर निकलने के बाद मैंने देखा कि विचित्र सा यान मेरे घर के सामने खड़ा है। और मैं कुछ सोच पाता, मैं कुछ कर पाता, उसके पहले ही 3 व्यक्ति आए और 3 व्यक्तियों ने मुझे हाथों से पकड़कर यान के अंदर ढकेल दिया और मैं यान के अंदर चला गया। और उस समय मैं उस अवस्था में नहीं था। यान सू के आवाज करते हुए वह आसमान की तरफ गायब हो गया और इस अवस्था को देखकर मैं बेसुध हो गया। और यह देखकर जब मुझे होश आया तो मैं दूसरे ग्रह पर था और उन लोगों ने मुझे एक प्लास्टिक का सूट पहनाया ताकि वहां ग्रह के वातावरण के अनुसार मैं अनुकूल रह सकूं। और मैं यहाँ आ तो गया हूँ, लेकिन यहाँ से मैं भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता। तो मैंने इन लोगों से विनती की कि मुझे संदेश भेजने का एक जरिया बताया जाए। तो इन लोगों ने मुझे संदेश रिकॉर्ड करने की अनुमति दे दी। इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र है और विचित्र ग्रह में लोग विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुके हैं और इन्होंने सौर मंडल से निकलकर पृथ्वी पर आसानी से मेरा अपहरण भी कर लिया। मेरे अपहरण का कारण यह जानने के लिए मैंने देखा तो चिकित्सा के क्षेत्र में ये लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। और यहाँ पर एक रोग हो गया है, वह है सड़न रोग। और सड़न रोग का इलाज करवाने के लिए, उसकी औषधि बनाने के लिए, उसके बाद में अंगों का प्रत्यारोपण करने के लिए, प्लांटेशन करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया है। और मैं यहाँ पर इनके बारे में, इनके शरीर के बारे में मैंने अभ्यास किया। लेकिन पृथ्वी पर के जो सिद्धांत है तो वह सिद्धांत इस ग्रह के सिद्धांतों से बिल्कुल अलग है। ये मेल नहीं खाते।